Guys, this is one of the questions in the paper, and I think it was the first question. तो अब देखो कि जो हमने पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते थे. तो क्या आपको पता चल रहा है इसमें जो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट? वाई? बिकॉज इफ पैराबोला ओपन्स अप, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो. एंड इफ इट ओपन्स डाउन, राइट, इफ पैराबोला इज, आई एम राइटिंग हियर, इफ पैराबोला इज यू नो लाइक दिस, देन ए इज लेस देन ज़ीरो. ये है. तो यहाँ एक साइन ए का हमारे पास आ गया, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है. एंड देन जस्ट अ मिनट, राइट, फिर हम देखते हैं साइन ऑफ सी. क्लास में दो क्वेश्चन किए थे हमने ऐसे ही. ये मेरा सी यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट होता है. इफ आई रिप्लेस ज़ीरो, अगर मैं ज़ीरो पे देखूँगा तो मेरी वैल्यू सी आ रही है. एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे वाई कोऑर्डिनेट, इट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद वाई एक्सेस. सो अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, देखो ये इसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ज़ीरो कॉमा सी, एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो, वाई कोऑर्डिनेट सी. और अब मेरा सी पॉजिटिव है, दिख रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अब एक्स एक्सिस है. यहाँ देखो ये पॉजिटिव है. सो सी ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पे आ गया, क्योंकि ज़ीरो कॉमा सी में जो सी है वो पॉजिटिव है. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला. तो दो साइन में क्लियरली पता चल जाते हैं. तो इसमें अगर मैं देखूँ ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन, ये तो गलत हो गया. ए पॉजिटिव एंड सी इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट? तो इन दोनों में से देखना है मुझे. तो मुझे बी का साइन पता होना ज़रूरी है. और मैंने क्लास में कराया था दो क्वेश्चंस में, अगर किसी ने रिवाइज़ किया है तो वो कैसे नहीं कर पाएगा, मैं नहीं समझ पाऊँगा कि इसको वो कैसे बी का कैसे पता नहीं चलेगा. दो क्वेश्चन में और तीन क्वेश्चन में कई बार बात हुई है. इसमें बी देखने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स देखना पड़ता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स. और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है क्या यहाँ पे? वो है, वो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई टू है. और वो क्लियरली पता चल रहा है कि वो लेस देन ज़ीरो है. वर्टेक्स मेरा अल्फा बीटा के बीच में है, मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स. ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है. वर्टेक्स तो मेरा ये है, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की बात करता हूँ खाली मैं. वो ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माइनस बी बाई टू. और वो नेगेटिव है बिकॉज ये वर्टेक्स नेगेटिव एक्सेसिस की तरफ है. तो ये आप नहीं कर पा रहे तो रिविजन की प्रॉब्लम होगी. कर रहे थे तीन क्वेश्चन में यूज़ किया था हमने. अब देखो इसके बाद पहले मैं इसको एक चीज़ में ध्यान रखनी, गलती हो सकती है. ये जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे ना करके, अब ये मेरा जनरल फॉर्मूला है तो मैं इसमें थोड़ा ट्रिक डाल रखी थी, शायद आपने इसलिए गलत कर दिया होगा. थोड़ा सा मैथ्स में होता ही है, अगर मैं बिल्कुल ऐसे वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनाऊंगा तो फिर वो आपको साथ में ठीक है. अभी कुछ लोग कर पाए कुछ नहीं. ये इसमें हिडन था कि ये माइनस डाल दिए यहाँ पे. तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है माइनस ऑफ, यहाँ बी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए मुझे, माइनस बी बाय डिवाइडेड बाय टू ए, माइनस बी, बी चाहिए, बी इसमें माइनस बी है. ये देखो आप, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस कोफिशिएंट से आया है, माइनस बी डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए. ये तो ये बन गया इस बार बी बाय टू ए. और जो हमें गिवन है बी बाय टू ए लेस देन ज़ीरो, बिकॉज ये लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है. ये हो गया. एंड इसके बाद अब देखो इसमें क्या, ए इसमें पॉजिटिव है और बी बाय ए का रेशो नेगेटिव है. सो दिस इम्प्लाइज बी शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट? बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि ए पॉजिटिव है और बी बाय ए की रेशो नेगेटिव है. अगर दो नंबर की रेशो या प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए. ओके, अलग से देख लो. अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अल्फ़ा, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है ए और बी, अगर वो नेगेटिव है तो उसमें से या तो ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, और ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा. बात की थी हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, बात हो रही है कि अगर वो लेस देन ज़ीरो है, अगर रूट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, राइट? तो ये इसके लिए भी ट्रू होता है. अगर दो नंबर की रेशियो नेगेटिव है तो दो ही केस बनते हैं, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, और ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव. ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. देखो वापस मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये याद रखना है. अब ये अगली बार नहीं याद आएगा तो देखो फिर गलत बात होगी. यहाँ पे मैंने देखा कि इन दो नंबर की रेशियो नेगेटिव है. टू तो से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या टू इज़ ए पॉजिटिव नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया. ये दो नंबर की रेशियो नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ए तो पहले ही पता हमें पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा. यहाँ से ए पॉजिटिव है तो पता बी यहाँ पे नेगेटिव हो गया, बी लेस देन ज़ीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव. अब बी नेगेटिव है तो यहाँ देखो, अब ए और बी सेम साइन के, नो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ये निकाल लिया हमने, और सी भी पॉजिटिव था,
ये मेरा स्ट्रक्चर आया इस बार, ए पॉजिटिव सी, सी पॉजिटिव बी नेगेटिव, सेम ये भी गलत है, ये देख लेते हैं। अब बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है तो उनकी रेशियो नेगेटिव होगी बी बाय सी की, ये भी गलत होगी चॉइस। तो चॉइस करेक्ट इसमें नन ऑफ दीज है, इसके तीनों में से कोई चॉइस करेक्ट नहीं है। तो क्या मैंने निकाला है, ए का साइन पॉजिटिव निकाला है बिकॉज पैराबोला ओपन सब, ध्यान से सुनना, सी पॉजिटिव है बिकॉज पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को, और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, c पैराबोला के वाई कोऑर्डिनेट, तो वो मेरा पॉजिटिव हो गया क्योंकि सी यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे। और बी निकालने के लिए, बी का साइन निकालने के लिए मुझे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखना पड़ता है, वो ट्रिक थी इसमें। फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई टू ए, लेकिन बी अपने आप में भी नेगेटिव दिया हुआ है, इसके अंदर कोफिशियंट माइनस बी दिया हुआ है इस बार, तो माइनस ऑफ माइनस बी यहाँ मैंने समझाया कि वो पॉजिटिव हो गया, ये हो गया। यहाँ गलती करी होगी कुछ लोगों ने, तो यहाँ से आ रहा है दो नंबर की रेशियो नेगेटिव है तो उनका साइन अपोजिटिव होगा, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव आ गया, तीनों साइन आ गया, उसके अकॉर्डिंग हमें चॉइसेस डिसाइड कर लेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन कभी ऐसा बनेगा तो इसमें मत गलती करना, कि मैं क्लास में ही बात हुई थी नहीं हुई थी, अगर मेरा एफ एक्स ऐसे है, अगर पैराबोला एक और केस जिसमें पता है गलती होगी, ये मेरा पैराबोला ऐसे है राइट, अब मुझे बताना है मेरा ये इस ये ग्राफ है इस पैराबोला का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी है राइट, साइन ऑफ सी क्या है, आप देखो साइन ऑफ सी पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसमें गलती क्या हो सकती है, इस बार ये ट्रिक डाल दी है, ये माइनस सी कर दिया है, ये माइनस सी होने की वजह से मेरा एफ जीरो क्या आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई कोऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद वाई एक्सिस, कहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो प्लग इन करके क्या आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है विद वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स इक्वल टू जीरो होता है, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, जब मैंने जीरो प्लग इन किया इसमें तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो है, ये माइनस सी आ गया, तो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस बार 0, -c हैं, इस बार ध्यान रखना 0, c नहीं है, इस बार 0, -c है क्योंकि पहले से माइनस था, सो नाउ दिस माइनस सी इज नेगेटिव, जो माइनस सी है वाई कोऑर्डिनेट इसका वो नेगेटिव है बिकॉज दिस पॉइंट इज बिलो एक्स एक्सिस, इसको नीचे ला के प्लॉट किया है, माइनस सी इज नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई किया सी ग्रेटर दैन जीरो आ गया, बिकॉज वैन यू मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस, तो यहाँ पर सी पॉजिटिव है इस बार राइट, इवन तो पैराबोला इज इंटरसेक्टिंग नेगेटिव वाई एक्सिस, इवन सी इज़ पॉजिटिव क्योंकि इस बार फॉर्मूला पॉइंट ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, 0, c नहीं है इस बार, 0, -c है, सेम जो है बी के साथ हुआ इस क्वेश्चन में, मैंने एग्जांपल दिया अगर सी के साथ ऐसा होगा, सी का क्वेश्चन पहले से ही नेगेटिव दिया हुआ पैराबोला में, तो रूल चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद वाई एक्सिस नॉट 0, c इट इज़ 0, -c, तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, ध्यान रखना आपको। दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन, मे बी ऑर्डर माइट बी डिफरेंट इन द पेपर, सो आई हैव दिस क्वेश्चन एज अ सेकेंड क्वेश्चन, सो इफ यू नो दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है देखो, ये हैज़ इमेजिनरी रूट्स, अब इमेजिनरी वर्ड से शायद कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, इसको नॉन रियल समझ लो, अगर आपको इमेजिनरी वर्ड नहीं सुना था मतलब कि रियल रूट्स नहीं है, नॉन रियल रूट्स है, ये गिवन है इस एक्सप्रेशन का, अगर मैं इसको एफ एक्स एज्यूम कर लेता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन राइट, इसके जो रूट्स हैं वो मेरे, अब देखो इसमें आपको अगर रूट्स नेगेटिव हैं आप ये करने लग जाओगे कि रूट्स सॉरी रूट्स इसमें नॉन रियल हैं तो आपको अगर डी लेस देन जीरो है वो ठीक है, अपने आप में कंडीशन आ रही है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो से शायद कुछ लोग सीधा ये करने लग गए होंगे कि रूट्स नॉन रियल डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स यू नो ए इज ए सी इज वन शुड बी लेस देन जीरो, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर लेस देन फोर ए आ रहा है, अब ये जो चॉइस है हमारी कहीं देखते हैं कहीं मैच करेगी डिपेंडेंट ऑन द साइन ऑफ बी, तो राइट तो ये तो डिपेंड कर ही रहा है, तो इसमें अभी देखने निकालना पड़ेगा क्या है, तो इससे नहीं आ रहा, देखो ये इससे ए प्लस बी प्लस वन की वैल्यू निकालनी, यहाँ अटक जाओगे आप, इसमें देखना था कि अगर मैं इसको एक्सप्रेशन बना लेता हूँ, सॉरी इसको मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूँ और कह रहा हूँ ये इसका ग्राफ पैराबोला होगा, अब ये मेरी पैरा ये अगर ध्यान से देखोगे ये जीरो कर दिया, मतलब हमें इसी क्वेश्चन में ये जीरो किया हुआ है, मतलब एफ एक्स को जीरो प्लग इन किया हुआ है, रूट्स की बात हो रही है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के, तो ये अब ये बता रखा है या तो ये पैराबोला ऐसे होगा या ये पैराबोला ऐसे होगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है एक्स एक्सिस के साथ, क्यों, क्योंकि डी लेस देन जीरो है, देखो आप ऐसे देख लिया आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी लेस देन जीरो है, अगर डी लेस देन जीरो होता है तो मेरा इंटरसेक्शन नहीं होता पैराबोला के साथ, ये तो हर क्लास में बात निकली थी हमारी कि 6 पैराबोला के केसेस थे,
जिस छः केस में हमने छः केस जो देखे थे उसमें था कि डी लेस देन जीरो वाले मेरे ये केस थे। अगर आप देखेंगे तो डी डी अगर आप डी का केस लें, मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि डी लेस देन जीरो वाले केस लेते हैं तो ये दो हैं। ये छः केस चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने, रट लो ये छः केस। डी इक्वल टू जीरो है तो टच करता है पैराबोला, दो केस ये हैं। और डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दो पॉइंट में इंटरसेक्शन होगा, रूट्स आएंगे, दो रियल रूट्स आएंगे इस बार, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। यहाँ पे इक्वल रूट्स आते हैं अगर डी इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे नो रियल रूट्स हैं, रूट्स हैं ही नहीं रियल। मींस पैराबोला कम्प्लीटली अबव होगा या कम्प्लीटली बिलो होगा, इट इज़ नॉट मीटिंग एक्स एक्सिस, बिकॉज जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को मीट करता है वही रूट्स है। तो ये तो दिमाग में इसको समझ आ गया, उसको याद रखना पड़ेगा, इसको समझ नहीं आया एक बार समझना पड़ेगा। अब देखते हैं वापस आते हैं, इन दोनों में से एक केस है राइट। अब इसमें क्या दे रखा था कि इसमें से ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस है। कैसे पता चला? मैंने वैल्यू एट जीरो निकाली, व्हाट इज़ एफ जीरो, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला, नहीं सॉरी वैल्यू एट जीरो निकाली है, जीरो पे वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। जब मैंने जीरो प्लग इन किया तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये वन आ रहा है। एफ जीरो, जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अबव एक्स एक्सिस वन कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो एक पॉइंट पे पैराबोला अबव एक्स एक्सिस है, तो सारी जगह अबव एक्स एक्सिस होगा। दो ही केस बन सकते हैं, पैराबोला है तो कम्प्लीटली अबव एक्स एक्सिस होगा, हर एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। जो ऑर्डर पेयर बनाते हैं ग्राफ पे, ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। ये कई लोगों को मुश्किल लग रहा है, दो तीन तीन बार वीडियो देखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सब हर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यहाँ पे पैराबोला इज कम्प्लीटली अबव एक्स एक्सिस, तो जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर जीरो पे पॉजिटिव आ रही है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है, तो पूरा पैराबोला ही अबव एक्स एक्सिस है। क्योंकि ये देखो, अगर ये हर पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है तो जीरो पे पॉजिटिव कैसे आ सकता था? जीरो प्लग इन करके तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए इस पैराबोला पे, इस पे। तो ये केस हमने रूल आउट कर दिया, इस बार ये केस आ गया। अब ये केस आ गया तो अब ये जो वैल्यू ए प्लस बी प्लस वन वो कब आएगी? जब मैं एक्स को इसमें माइनस वन रिप्लेस करूँगा। देखो आप, एक्स को माइनस वन रिप्लेस करूँगा तो ये क्या हो गया, ए टाइम्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस बी माइनस वन प्लस वन, ए प्लस बी प्लस वन, ये आ गया, ये आ गया राइट। तो मेरा वो पॉजिटिव होगा, ए प्लस बी प्लस वन, इतने कह सकते हैं पॉजिटिव होगा। उसकी वैल्यू नहीं पता, हमें पता पॉजिटिव है वो, जीरो भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, डिपेंडेंट ऑन द साइन ऑफ बी जो इसकी वैल्यू आएगी। तो बी पे अगर आप साइन ऑफ बी, ये कुछ क्लियरिटी नहीं है इस चॉइस में, मतलब डी में, क्योंकि अब ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव होना बी पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब चॉइस थोड़ी कंफ्यूजिंग बनाई है। ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये नहीं कि बी की वैल्यू क्या उस पर डिपेंड करेगा ना, बी पे डिपेंड कहाँ कर रहा है, हमें तो बी पता भी नहीं किया है, ये तो ग्रेटर देन जीरो ही आ गया सीधा। इरिस्पेक्टिव ऑफ ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जो भी होगी, ये जो ए प्लस बी प्लस वन है वो पॉजिटिव होगा, ये मतलब है। तो चॉइस कन्फ्यूजिंग थी थोड़ी। और क्वेश्चन भी देखो, अब क्वेश्चन में ऐसे भी देख सकता था सारे कि आपने मतलब बिल्कुल कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, या आपने मतलब कुछ भी बिल्कुल बेसिक चीज़ें कि पैराबोला दे दिया, साइन ऑफ ए क्या है, साइन ऑफ सी क्या है, साइन ऑफ डी क्या है, वो भी फंडामेंटल क्वेश्चन बन सकते थे। लेकिन थोड़े से मैथ थोड़ा धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाना है आपने राइट, हमने धीरे धीरे कोशिश भी करनी है। क्वेश्चन है भी ऐसे डायरेक्ट वाले, इसमें तभी सोचने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये देखो आप, ठीक है वो सोचने वाला क्वेश्चन था थोड़ा, कि आपने कि देखना था पैराबोला कम्प्लीटली अबव है कम्प्लीटली बिलो है लास्ट क्वेश्चन में राइट। वो हमने नॉन रियल रूट्स दे रखे थे, तो हमने पहले फिगर आउट किया था कम्प्लीटली अबव है। क्यों था कम्प्लीटली अबव? क्योंकि जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई थी, तो हर जगह पॉजिटिव आ गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। तो हमने फिर देखा कि ए प्लस बी प्लस वन कैसे आएगा, वो देखा कि वैल्यू माइनस वन पे है, तो वो पॉजिटिव है, इतना पता था हमें। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके अंदर रैशनल इनइक्वालिटी है। तो सात आठ पाँच सात क्वेश्चन हमने किए थे क्लास में, पूरा क्लास थी इसकी रैशनल इनइक्वालिटी की, इसका पूरा प्रोसेस था। तो ये जिसका गलत हुआ वो तो अब यू नो क्लास कॉपी ढंग से नहीं उसने रिवाइज किए हैं। तो मेरा जिसके भी अगर पाँच छः क्वेश्चन भी ठीक हैं तो ट्रैक पे है, अगर उससे कम है मेरी उसको ज़्यादा चिंता है। ठीक है, आपने नौ नहीं किए, दस नहीं किए, आपने पाँच क्वेश्चन कर लिए, छः कर लिए, सात कर लिए, धीरे धीरे कैपेबिलिटी पड़ेगी, मतलब एटलीस्ट आप इतने करने के लिए पढ़ तो रहे हैं, ये पक्का है। तो आपने अगर दो तीन क्वेश्चन नहीं किए हैं या एक आधी क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ढंग से नहीं समझ नहीं पा रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं। तो रैशनल इक्वालिटी का प्रोसेस होता है, हम वी शिफ्ट एवरी टर्म टू लेफ्ट हैंड साइड, वी मेक जीरो इन राइट हैंड साइड राइट। सो मैं इस पूरी टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये मेरा हो गया एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये आ गया। एंड देन आई टेक एलसीएम,
क्योंकि इसको हमें लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स प्लस थ्री, ये मेरा एलसीएम आ गया। एंड देन अब मुझे इसको अब फर्दर फैक्टराइज करना है, इसको न्यूमरेटर को डिनोमेटर तो फैक्टराइज है, इसको आप देखोगे इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, बात हुई थी क्यों, कि जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री है ये कैन नॉट बी फैक्टराइज, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस दिस इनटू दिस, ऐसे नहीं लिख सकते हैं उसको, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं आएगा ये, क्यों, क्योंकि ये जो पैराबोला है इसका ग्राफ है, इसका ए ग्रेटर देन ज़ीरो है और इसका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है वो आता है वन माइनस ट्वेल्व माइनस इलेवन लेस देन ज़ीरो है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ये जो पैराबोला है वो कम्प्लीटली अबव एक्स एक्सिस होगा, ये बारह बात हो रही है कि ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली लाइक दिस है, ये क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, एक्सिस को मीट नहीं करेगा, एक्सिस को मीट नहीं करेगा तो उसके रूट्स नहीं है, रूट्स नहीं है तो फैक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि फैक्टर से रूट से ही फैक्टर बनते हैं। अगर मेरा ये कुछ ऐसा इक्वेशन होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं इसको लिखता ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये फैक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन तभी बनते हैं जो रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा, और रूट्स कब होते हैं जब इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्स एक्सिस होता है, और वो कब होता है जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, अगर डी इक्वल टू जीरो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है ऐसे डी इक्वल टू जीरो में, ये केस है, और अगर हम फैक्टर्स नहीं बना पा रहे हैं, फैक्टर्स नहीं बन रहे, नो फैक्टर्स, इसके मतलब डी लेस देन जीरो है, ये एक ही बात बार बार आई जा रही है, डी लेस देन जीरो वाला केस है, ये डी इक्वल टू जीरो वाला केस है, अगर फैक्टर्स बन गए, दो लीनियर फैक्टर बन गए तो डी ग्रेटर देन जीरो वाला केस है, ये केस है, याद कर लो एक बार, तो यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं इसके, राइट, तो ये कम्प्लीटली पॉजिटिव है, और ये बात हुई थी कि डिवाइड कर दो इसको, हटा सकते हो उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश हो रही है, तो मैंने इसको कम्प्लीटली दोनों साइड को डिवाइड कर दिया इस एक्सप्रेशन से, पॉजिटिव था कर दिया, नो चेंज इन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, जीरो डिवाइड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी इज जीरो, तो ये वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, ये इनइक्वालिटी बन गई। अब मेथड ऑफ इंटरवल्स हमें पढ़ा था, साइन मेथड जो भी वेवी कर्व मेथड, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, ये जीरो आ रहा है, यहाँ से थ्री आ रहा है, और हमने कहा था राइट मोस्ट में साइन प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ये साइन का स्ट्रक्चर रहेगा, और हमें हमें जीरो को भी इंक्लूड नहीं करना है, थ्री को भी नहीं करना है, वो समझाया था कि जीरो प्लग इन करके नॉट डिफाइंड बन रहा है बिकॉज डिनोमीटर में जीरो आ रहा है, थ्री प्लग इन करके भी नॉट डिफाइंड बन रहा है, तो जिसको ज़रा सी भी मुश्किल हुई है इस क्वेश्चन में, मुझे अब ये पार्ट चाहिए, क्योंकि लेस का साइन था, एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड थ्री एक्सक्लूडिंग जीरो एंड एक्सक्लूडिंग थ्री, ये है, अब मुझसे चॉइस मैंने सॉल्व कर ली, रैशनल इनइक्वालिटी मुझसे पूछा हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस, जो सॉल्यूशन सेट आया उसमें कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, जीरो है नहीं, थ्री है नहीं, तो बीच में दो इंटीजर बच गए वन और टू, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, टू इंटीग्रल वैल्यूज, राइट, टू इंटीग्रल वैल्यूज है, तो गाइस ये देखो, अगर ये तो बिल्कुल ये तो स्कोरिंग था, रैशनल इक्वालिटी सॉल्व करनी थी, टाइम कम पड़ा है, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है, आपको ये नहीं समझ आया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्रोसेस जो था, मेक जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, मेक जीरो इन आर एच एस देन एक्सप्रेस इन लीनियर फैक्टर्स, मेक ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स पॉजिटिव एंड देन रिमूव ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स, ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स, पूरा प्रोसेस था चार स्टेप का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का, उसमें ये था कि इसको हटाना है, ये आपने हटा दिया है इसको, क्योंकि कम्प्लीटली पॉजिटिव है इसलिए हटाना है, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हटाना है इसको, फिर हमने मैंने समझाया भी था कि किस केस में या कि कैसे फैक्टर्स कैसे डिपेंड कर रहे हैं डी की वैल्यू पे, डी लेस देन जीरो कैन नॉट बी फैक्टराइज, डी इक्वल टू जीरो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, डी ग्रेटर देन जीरो टू लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, तो यहाँ डी लेस देन जीरो था तो वी कैन नॉट फैक्टराइज, नॉट फैक्टराइज मतलब क्या होगा कि कम्प्लीटली पॉजिटिव है इसलिए, कि अगर अगर पैराबोला क्रॉस कर रहा है एक्सिस को तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, फैक्टर्स पक्का बनेंगे, ये रिपीट कर रहा हूँ बार बार बात में, क्योंकि ये तो या अब तो याद करो कम से कम इस क्वेश्चन के थ्रू, याद करना पड़ेगा, याद नहीं करोगे नहीं होगा। फिर हमने मेथड ऑफ इंटरवल्स लगाया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, फिर हमने उसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल के असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और फिर राइट मोस्ट में साइन प्लस होगा एक्सप्रेशन का, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, इट एक्सप्रेशन बियर्स रैशनल एक्सप्रेशन बियर्स ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस इन वेरियस इंटरवल्स, तो इसको याद करो, बहुत बच्चे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने स्टोरी कितनी बार सुन ली है, उनको सरप्राइज़ हो रहा होगा मैं क्यों बार बार स्टोरी सुना रहा हूँ, ये तो उनके लिए नहीं है तो बाकियों के लिए है जो चीज़ें याद नहीं करते, कितनी बार भी स्टोरी सुनते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं, याद करना पड़ेगा इसको। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वॉज अ क्वेश्चन विच इज़ अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा निकालना, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा आएगा
for which this inequality is true for every x belongs to R. This inequality is true, inequality meri aise hai x square minus 2 times 4 alpha minus 1 into x plus 15 alpha square minus 2 alpha minus 7 greater than 0. ये inequality है. अब ये देखो, ये देखने में कुछ लोग डर गए होंगे जो लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं. ये inequality greater than 0 है for f for all x belongs to R. अब ये किसी ने नहीं देखा है क्या? ये result हमने 2 mark किया था, result 2 पढ़ा था हमने, कि अगर ax square plus bx plus c greater than 0 हो जाए for all x belongs to R, वो कब हो सकता है? इसका मतलब हर x की value के लिए parabola positive हो जाए. इसका मतलब है parabola ऐसे है completely above x axis है, हर x की value के लिए positive है. वो कब होगा? जब a greater than 0 होगा और discriminant less than 0 होगा. ये result था, ये result apply करना है आपने. अब result कहाँ था याद कर लो. ये तो a तो positive है coefficient of x square, मुझे discriminant को less than 0 करना है. discriminant मतलब b square minus 4ac, b square मतलब 2 का square 4, 4 alpha minus 1 का square minus 4 times AC, A times C. A is 1, C is 15 alpha square minus 2 alpha minus 7. Less than 0 होना चाहिए D. ये inequality बनानी थी आपने. फिर 4 से divide करके solve करना है. solve करने में time लग रहा है, मुश्किल हो रही है, practice नहीं कर रहे हैं. तो मैं learning लो इसमें कि क्यों नहीं हुआ, इसके बाद क्या इससे problem आ गई. अच्छा, practice की problem है इसकी. मतलब 4 से divide कर दिया, ये रह गया. इसको भी open करना perfect square को. 16 alpha square प्लस 1 माइनस 8 अल्फा. परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है आइडेंटिटीज में आपने. माइनस 4 चला गया, ध्यान रखना है. ये बच गया फिर माइनस 15 अल्फा. इसको भी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. माइनस 15 अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अल्फा और प्लस 7 हो जाएगा लेस देन 0. 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 15 अल्फा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर. माइनस 8 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज माइनस 6 अल्फा. और ये 1 और ये प्लस 7, 8 हो गया लेस देन 0. राइट, तो या आई होप मिस्टेक नहीं करी है मैंने. प्लस 7 एंड प्लस 1 8 रहा. या तो ये अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 4 फैक्टर्स बन गए इसके लेस देन 0. तो अल्फा की वैल्यू 2 से 4 आ रही है, और 2 छोड़ के और 4 को छोड़ के ये अल्फा की वैल्यूज आ रही है. अब इसमें चॉइस जो होगी हम पिक कर लेंगे. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा है, वन आंसर आ गया. एक ही इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा आ रही है. राइट, तो ये मेरा क्वेश्चन था. इसमें डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करना है. अब ये क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट था. प्रैक्टिस भी किए थे क्वेश्चन इसके ऊपर कि अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक यू नो एक्सप्रेशन कंप्लीटली पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इट मीन्स ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0. अगर मैं साइन चेंज कर दूंगा, यहाँ पे लेस का साइन कर दूँ यहाँ पे, तो कम्प्लीटली नेगेटिव होगा. फिर ए लेस देन 0, डी लेस देन 0, तभी डी लेस देन 0 रहेगा. बट ए लेस देन 0 हो जाएगा इस बार. ये रिजल्ट 2 है, रिवाइज करो. ये डायरेक्ट अप्लाई किया, ये रिजल्ट अप्लाई कर लिया कुछ लोगों ने और ये नहीं कर पाए हैं. डी लेस देन 0 करके इनइक्वालिटी से आंसर नहीं निकाल पाए हैं, तो या तो मिस्टेक करी होगी. मिस्टेक तो हो जाती है, चलो फिर तो यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ऐसे कोई मिस्टेक तो होंगी, लेकिन कम से कम आता तो था. ठीक है, नंबर नहीं मिले, ख़राब लग रहा होगा, या टॉप स्कोर में नहीं आएगा नाम आपका, बट एटलीस्ट अपने आपको मिस्टेक सिर्फ आपकी मिस्टेक आपकी कैलकुलेशन की हुई है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कर तो पाएगा. अब यहाँ कर या कोई करते करते बहुत टाइम लग गया तो थोड़ा चिंता मत करो, धीरे धीरे आप अगर हर हफ्ते पार्टिसिपेट करेंगे और घर पे भी थोड़ा अर्जेंसी से करेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, तो टाइम की प्रॉब्लम अभी जिनको टाइम कम पड़ रहा है मैं बता रहा हूँ हो जाएगी. तभी ये सारा पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच आई एम नॉट श्योर क्लास में डिस्कस हुआ था, लेकिन अगर वर्कबुक पर थोड़ी भी प्रैक्टिस करी होगी आपने बेसिक क्वेश्चंस की, तो देख सकते हैं कि इसमें क्या अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं. इस क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है उसके रूट हैं अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच. ये रूट है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर. इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द क्वेश्चन निकालना है. थोड़ा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को, देखो थोड़ा इसलिए कन्फ्यूज़ हो गए. क्वेश्चन ये बनता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी एंड पी क्यू आर निकालना है. कोफिशिएंट में रिलेशनशिप निकालनी है, रूट्स इस फॉर्म के गिवन है.
तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं दोनों का, इसका जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, इसको मैं क्वेश्चन को वन मार्क कर दूँ, एक ऐसा करना नहीं है क्वेश्चन, मैं बताना हूँ जो क्वेश्चन आपने शायद करा होगा पहले, वर्कबुक में है क्वेश्चन, दो तीन जगह है, दो जगह है कम से कम, कि हमने दोनों के डिफरेंस ऑफ रूट्स को इक्वेट कर दिया. डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज सेम एज डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन. अब तो अगर डाउट लग रहा है चेक कर लो, इसमें डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट क्या है इसका, अल्फा माइनस बीटा है, और सेकेंड इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट क्या है, अल्फा प्लस एच माइनस बीटा प्लस एच है. तो एच कैंसिल होकर ये दोनों इक्वल है, देखो आप, तो दोनों के डिफरेंस ऑफ रूट्स को इक्वेट कर सकते हैं हम, राइट. कैसे, फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट उसका, सपोज गिवन डिस्क्रिमिनेंट मान लेते हैं, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दूसरी इक्वेशन का भी जो ये आ गया देखो, उसका डिस्क्रिमिनेंट को d2 मान लिया, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज p, ये इक्वेट कर दिया, डिफरेंस ऑफ रूट्स को इक्वेट कर दिया आपने. और फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ रूट्स का, प्लस माइनस मतलब क्योंकि अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है, बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, या तो मॉड लगाना पड़ेगा. फिर हमें इसको स्क्वायर कर देते हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन होगा, आगे क्वेश्चन ये है नहीं हमारा, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड, पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर, सॉरी, सो क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर. ये मेरा, बाकी जो भी करना हो आगे हम सिंप्लीफाई जो भी करना है कर लेंगे, ये मेरा कंडीशन बनती है. ये क्वेश्चन किया होना चाहिए था आपने, डिफरेंस रूट्स को इक्वेट कर दिया. तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, इसके अंदर एच, इसमें एच हट जाता है, इसमें एच है, मुझे वैल्यू निकाल, क्या निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है इसमें, एच की वैल्यू. तो इसमें क्या करना था, अब देखो मेरा अगर सेकेंड इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा है प्लस टू एच है सम ऑफ रूट्स, राइट, वो क्या है सम ऑफ रूट्स का, माइनस क्यू बाय पी है, मतलब और कोई आइडिया से भी कर सकते थे, ये इजी आइडिया है. सेकेंड इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स लिया है, इसमें एच आ रहा है, एच चाहिए, एच की वैल्यू निकालनी है. प्रोडक्ट के फॉर्म में करेंगे तो एच क्वाड्रेटिक बन जाती है एच के अंदर, अल्फा प्लस, अगर मैं ये करता हूँ अल्फा प्लस एच मल्टीप्लाइड विद बीटा प्लस एच, तो आप देखो इसमें एच स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक इन एच बन गई, हमें तो एच निकालना है, क्वाड्रेटिक क्यों बनाएंगे, सम से फायदा हो रहा है देखो आप. तो इसमें बस क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आएगा, आएगा ना अल्फा प्लस बीटा, पहली इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स है, प्लग इन कर देते हैं, वो पता है माइनस बी बाई ए है और ये टू एच है इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी है, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, खत्म. टू एच इक्वल टू इसको उधर ले गए बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी, ये क्वेश्चन है, टू से डिवाइड किया, क्वेश्चन फिनिश, राइट, जो भी ये आंसर आ गया बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी. तो इसमें यहाँ फंस गए आप, ये निकालने लग गए, तो आप समझो आपने ये तो रहा क्वेश्चन किया था, याद रहा आपको, वो अच्छी बात है. लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन नहीं निकालनी, कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं निकालना, क्वेश्चन में एच निकालना है. तो ऐसे ऐसा रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें एच है, और वो हमने सम ऑफ रूट्स करा है, वो सम ऑफ रूट्स किया, मैं सम ऑफ रूट से स्टार्ट करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी है. तो एक तो पहली बार घबराए ना, क्योंकि जिन्होंने पहले इस तरह से चीज़ें नहीं करी हैं वो थोड़ी घबराहट होगी, तो एक्सपोजर धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे कैपेबिलिटी बिल्ड होगी. जो घबरा के छोड़ देगा, कई ऐसे मैसेज आ रहे हैं कुछ लोग नहीं कर पाए, तो उनको मतलब घबरा के छोड़ रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, वो एस्केपिज्म बन जाएगा, ध्यान रखो. अब ये क्वेश्चन तो शायद टेंथ में भी इस तरह का क्वेश्चन किया होगा आपने, कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स हैं, राइट. इसको तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म है नहीं, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी, ये पहली इक्वेशन है, राइट. जनरल फॉर्म में ला के एक ही क्वेश्चन है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अब इसकी वैल्यू निकालनी है. अब वैल्यू वाले क्वेश्चन जैसे आपने कितने किए होंगे, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ऐसे कितने क्वेश्चन किए आपने, अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर की वैल्यू निकालनी है. मैंने नाइन्थ में पढ़ाया तब भी ये चीज़ें कराई हैं, टेंथ में पढ़ाया तब भी मैंने चीज़ें कराई हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर पॉलीनोमियल में कराया, फिर क्वाड्रेटिक में कराया, टेंथ में दो बार कराया, नाइन्थ में पॉलीनोमियल में कराया ये कि वैल्यू. ये थोड़ा सा ही ट्रिक किया था आपने, करा ही होगा शायद टेंथ में वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि देखो हम क्या करेंगे, ये अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं, आगे के लिए समझ लो, लर्निंग हो रही है यहाँ पे आपकी, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए, अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट हैं तो अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा इक्वल टू ए प्लस बी. मैं ए प्लस बी को राइट पे ले गया हूँ, ए प्लस बी को इधर लिख लिया, ये वैल्यू आ रही है, राइट. तो यहाँ से और दूसरा क्या, बीटा भी इसका रूट है, बीटा भी प्लग इन करेंगे, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, उससे आ रहा है बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा इक्वल टू ए प्लस बी,
देखो ये क्वेश्चन था, तो इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा को प्लग इन कर दो, यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा को यहाँ प्लग इन करना है, तो क्या करना है ये हो जाएगा, जब प्लग इन करूँगा मैं डिनोमिनेटर में जाएगा वन ओवर ए प्लस बी यहाँ आ गया, और ये भी वन ओवर ए प्लस बी है, ये है माइनस टू टाइम्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, माइनस टू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये तो एलसीएम लिया है इन सबका, ए प्लस बी सबका सेम एलसीएम आ रहा है, ये वन वन माइनस टू ज़ीरो हो गया, देखो ये ज़ीरो था, देखो ये क्वेश्चन था। अब ये तो अब अगर हाँ कोई आप ये कहो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे किया आपने, या मैंने कर ही नहीं पाया एग्ज़ाम में, वो फिर लर्निंग है आपकी, मैं सरप्राइज हूँगा कि आपने किसी क्वेश्चन में चीज़ नहीं करी है कि अल्फ़ा को प्लग इन कर दिया क्वाड्रेटिक में, और वहाँ से आपने अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, आगे ही लर्निंग है ये प्लग इन करके, अदरवाइज़ फिर एलसीएम वगैरह पे लेंगे तो अटक गएंगे, टाइम बहुत लगेगा करने को, उसमें भी कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, देखो एलसीएम लिया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस लेंदी हो जाएगा, फिर बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा, और फिर यहाँ पे अपने यू नो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है माइनस ए टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, वी नो हाउ टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, वी नो हाउ टू राइट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कैसे इस तरह से इसको लिखते हैं, अगर ये भी अभी आपको पढ़ना पड़ रहा है तो बहुत ही फिर तो पीछे हैं अभी आप, बहुत ही बहुत कुछ करना पड़ेगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता, कि आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूँ, तो आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं, शुरू भी नहीं हुआ आपका भी, ये भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है टर्म वाइज, कि अल्फ़ा नहीं जो टाइम लग रहा है इसमें, देखो आप कर तो तभी सकते थे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया इसको राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर प्लस ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा आ गया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा सेम वे माइनस ए, तो कितना टाइम लगेगा, फिर एक और टर्म आएगी माइनस ए बीटा स्क्वायर अल्फ़ा ये आ रहा है, फिर मुझे यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है पता है, ये स्क्वायर है उसका, और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है, तो बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की, तो मैंने सिर्फ एलसीएम लेके टर्म्स को मल्टीप्लाई करके पूरे यू नो रेशो को अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में आ गया, प्लग इन करनी है वैल्यूज, बट सी द टाइम वी नीड टू स्पेंड इफ यू डू दिस, इफ यू डोंट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक बाय प्लगिंग इन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड प्लगिंग इन द वैल्यू ऑफ बीटा द बीटा इन द इक्वेशन, तो ये आपने कभी नहीं किया है तो आगे के लिए लेसन है भाई, करना पड़ता है कई बार जब एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो उसमें अल्फ़ा को रिप्लेस कर दो क्वाड्रेटिक में, क्योंकि अल्फ़ा रूट है, बीटा को रिप्लेस करो बिकॉज बीटा रूट है, वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो हम यूज़ करते हैं, आगे के लिए याद रखो ये ट्रिक, नहीं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए पहली बार, दैट इज़ फाइन, कोई नहीं कर सकता ऐसे पहली बार, लेकिन अब सेकेंड टाइम नहीं कर पाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम तो करेगा ना, तो आप समझो बहुत लोगों का फर्स्ट टाइम है ये, और हो सकता है बहुत लोगों का तो मतलब उन्हें खेल समझा होगा, अब अगर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तो चांटा जो होता है ना ऐसे चपाटा चपाटा मारते हैं धाड़ देने, और तो कोई मार नहीं सकता आपको, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसका, ये वही होंगे जिन्होंने एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए, वो होंगे ऐसे वाले टाइम वेस्ट कर रहे हैं राइट, ये तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी रेंज वाला क्वेश्चन है, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर फाइंड द रेंज ऑफ दिस, और रेंज आ गई तो मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी, अगर आप सुना है अपने क्लास में तो ये तो पता ही होगा, इसको हमने टिपिकल क्वेश्चन कहा था, मैंने दो तीन बार प्रैक्टिस भी किया था इसको, वाई लेके थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवनटीन ये लेना है, डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन ये आ गया, फिर इसका प्रोसेस है मेथड है उसको डाउट नहीं करेंगे, सीख लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया थ्री वाई एक्स स्क्वायर नाइन वाई एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवनटीन, और फिर मुझे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, एक्स में क्वाड्रेटिक बनानी है, मैं सब कुछ लेफ्ट भी ला सकता हूँ, सब कुछ राइट पे भी ला सकता हूँ, सब कुछ मैं राइट पे ले आया हूँ, ये एक्स स्क्वायर कंबाइन किया थ्री कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, फिर लीनियर टर्म को लीनियर टर्म से कंबाइन करूँगा इस टर्म को इससे, इसमें मैंने नाइन कॉमन लिया एक्स कॉमन लिया वन माइनस वाई आ गया, फिर 17 माइनस सेवन वाई सब कुछ मैं राइट पे ले गया, सारी टर्म्स को राइट पे लेके कंबाइन कर दिया, क्वाड्रेटिक इन एक्स आ गई है, वी पुट डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, कुछ समझ नहीं रहे हैं कुछ मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई कर रहे हैं, नाउ व्हाट नेक्स्ट, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वहाँ से रेंज आ जाएगी बाई की और वहाँ से मैक्सिमम निकाल लेंगे, अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है अगर हमने
तो अब देखो कि डी डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से करना, मिस्टेक हो सकती है। 81, 9 स्क्वायर 81, 1 माइनस y का स्क्वायर, -4ac, 4 into 3 into 1 minus y into 17 -7y greater than equal to 0। ये इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ रही है इसमें। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस है, ये 4 है, ये ए है और ये आपका सी है। ये करा है मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो थोड़ा देखो, पहले तो हम इसमें से 3 हटा सकते हैं, थोड़ा बहुत जो कॉमन जाता है, कैलकुलेशन कम होती है। 3 मैंने हटा दी यहाँ से, ये 27 रह गया। 3 बाहर कॉमन लेके फिर डिवाइड भी कर दूंगा, तो रह गया 27 वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई। आई अप्लाइड द ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। माइनस यहाँ 4 बचा हुआ है अभी, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है मुझे, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ रहा है मेरा 7y स्क्वायर, राइट, -17y, -7y, -24y +17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था इसमें, -24, या तो नाउ व्हाट नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई, विल डू हैव टू डू द कैलकुलेशन हेयर, राइट। आई एम जस्ट टेकिंग, कुछ गलती तो नहीं हुई है, लग तो नहीं रहा अभी। सो व्हाट नेक्स्ट, सो व्हाट वी कैन डू, अब यहाँ से मेरा 27y स्क्वायर आता है और यहाँ से -28y स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो यहाँ से -28 आ रहा है, तो -y स्क्वायर बच गया, या एंड देन लीनियर टर्म, लीनियर टर्म आती है यहाँ से -54y, और यहाँ से लीनियर टर्म आ रही है ये -+96y, राइट। एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म +27, और यहाँ से -68 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चैलेंज हो सकता है कि जो कैलकुलेशन है वो आपको टाइम लग रहा हो और टाइम ख़त्म हो गया हो, टाइम इसमें ज़्यादा भी दिया था लेकिन स्टिल। तो -y स्क्वायर, राइट, 3 से तो डिवाइड कर दिया, अब इनको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये आ गया 2 एंड 4, 42y, और यहाँ से आता है, राइट, माइनस में आएगा 1 एंड 4, -41 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज तो हो रहा है, देखो माइनस से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर -42y +41 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगले स्टेप में माइनस था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, साइन चेंज हो गया, वाई स्क्वायर -42y +41 लेस देन इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे तो वाई -41 इंटू वाई -1 लेस देन इक्वल टू 0 बन रहा है। तो दिख रहा है कि आपको क्यों, मुझे अब सॉल्व किया मैंने तो समझ आ रहा है कि सॉल्व करके इसको क्या मुश्किल आई होगी आपको। अब इसके बाद मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है मुश्किल आई है, अब ये आंसर आ गया, वाई बिलोंग्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 41, तो मैक्सिमम वैल्यू 41 हो गई वाई की, यहाँ से क्या आ रहा है, तो 41 आंसर में था अभी, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, इसके अंदर ये आपको टाइम, टाइम कितना था, टाइम 4 मिनट थे इसमें लिखा है, तो होंगे 4 मिनट। देखो टाइम भी 4 मिनट तो काफ़ी होते हैं, टाइम किसी क्वेश्चन में, किसी एग्ज़ाम में, किसी क्वेश्चन को करने के लिए 4 मिनट ही मिलेंगे आपको। तो 4 मिनट में एक तो कॉन्सेप्ट है आपको आना, रिवाइज होना चाहिए था, एक था कैलकुलेशन पार्ट जो आ रहा है इसमें, कैलकुलेशन मान रहा हूँ आपके सामने करा है मैंने, अभी कैलकुलेशन बन रही है, मुझे भी डर लग रहा था कि मिस्टेक हो सकती है इसमें, मैं ध्यान से कर रहा था, मुझे लग भी रहा था बीच में मिस्टेक हो गई है, तो क्वाड्रेटिक अगर सिंपल नहीं बनती तो मैं वापस जाके चेक करता ये, फिर तो गया थे काम से, टाइम ख़त्म था उतनी देर में। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि वापस जाने का टाइम नहीं मिलता, एग्ज़ाम में यही गलती करते हैं आप कि आज जो मतलब इसमें हमें टाइम पर क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, एग्ज़ाम में वापस जाते और 4 मिनट लगाते इस क्वेश्चन में, जो कि आपने पहले 4 मिनट में नहीं कर पाए, एग्ज़ाम में 3 मिनट में नहीं कर पाए, फिर 3-4 मिनट और लगाते, इतना टाइम ही नहीं होता एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन में 8-10 मिनट लगा दोगे आप, तो मिस्टेक इसलिए बिल्कुल बर्बाद कर देती है मिस्टेक, एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है कि बाकी क्वेश्चन का टाइम कट जाता है। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी का कम्बिनेशन बनाना पड़ता है, स्पीड बढ़ाएंगे एक्यूरेसी कम हो जाएगी, एक्यूरेट रहेंगे स्पीड स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे बिल्ड होगा वो,
राइट, तो मिस्टेक्स का इसमें तभी 4 मिनट में तभी हो जाना चाहिए था। तो आपको एनालाइज करना है मेरे से क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नहीं पता था मुझे, कैलकुलेशन मेरे से नहीं हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, टाइम कम पड़ा मुझे। यू हैव टू मेक योर ओन जजमेंट। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें आप उस तरह कन्फ्यूज़ हो गए होंगे जो कि नहीं होना चाहिए था। कि इफ़ आई रीड दिस क्वेश्चन, इफ़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है देखो, रेंजेस फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, उसकी रेंज गिवन है 0 से इन्फिनिटी के अंदर, राइट, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी निकालना है, जो पी की जो वैल्यूज आएंगी उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो पहली बात तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ ऐसे ओपन हो रहा होगा ऐसे, क्योंकि रेंज गिवन है 0 से इन्फिनिटी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 0 से इन्फिनिटी है, तो ए ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए इसमें, दैट इज़ पी माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये रिलेशनशिप आ गई, राइट। और जो रेंज है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस डी बाय 4 ए टू, अगर ए ग्रेटर देन 0 है टू इन्फिनिटी, ये रेंज का फॉर्मूला है मेरा। और रेंज मेरी क्या गिवन है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये भूला नहीं होने चाहिए कि अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है मेरा तो रेंज का ये फॉर्मूला होता है, अगर ए लेस देन 0, पैराबोला इज ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मेरी रेंज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, पैराबोला उल्टा इस बार ऐसे है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टू माइनस डी बाय 4 है, ये देखो। तो लेकिन हमें रेंज गिवन है 0 से इन्फिनिटी, माइनस नहीं है इस बार, इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये केस नहीं हो सकता, तभी मैंने ए ग्रेटर देन 0 लिया है, राइट, तभी ए ग्रेटर देन 0 लिया है। तो अब इसके बाद फिर मतलब, और ये मेरा देखो, अब ये तो सीधा मैच ही होना चाहिए ना, माइनस डी बाई फोर है इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्लियरली डी 0 आ गया, देखो इसके अंदर मैच ही कर लिया मैंने, माइनस डी बाई फोर है इक्वल टू 0 होना चाहिए रेंज होने के लिए, डी 0 होना चाहिए। डी 0 करने के क्या आ रहे हैं, डी 0 करते हैं, मतलब पी ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए, तो देख लेते हैं क्या इसमें डी या अदरवाइज रेंज तो हो नहीं सकती, यू राइट। तो देन अब पी की वैल्यूज क्या, डी इक्वल टू 0 किया मैंने, तो 4p² राइट माइनस 4 टाइम्स p-3 इंटू 3p-6 इक्वल टू 0, ये आ रहा है, 4 से डिवाइड करा p² माइनस मल्टीप्लाई करा इन दोनों प्रोडक्ट्स को, इन दोनों फैक्टर्स को, तो यहाँ से आ रहा है 3p² राइट, यहाँ 3p² दिस इज -9p और ये +6 -6p -9p -6p इज -15p +18 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो यहाँ से आ रहा है ये -2p², फिर ये -15p -18 इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड भी कर दिया, 2p² -15p +18 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 36 आ रहा है, राइट, 9 इंटू 2 18 इंटू 2, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, 18 इंटू 2 36 आ रहा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 15 बनना है ना इसमें, तो या 12 इंटू 3 आ गया 36, तो 2p² माइनस 12p राइट माइनस 3p, जैसे भी आप करते हैं, प्लस स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया, एक आएगा p-6 और एक आएगा 2p-3 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 6 आ रहा है और p इक्वल टू 3/2 आ रहा है, तो ये अब p की वैल्यू ये तो रिजेक्ट करनी पड़ेगी हमें, राइट, क्योंकि p ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो p 6 आ रहा है, तो p की एक ही वैल्यू आ रही है, द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ p इज, आंसर इज 6, बिकॉज एक ही वैल्यू आ रही है तो प्रोडक्ट भी 6 ही होगा, राइट, p ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, आई होप मिस्टेक नहीं करी है मैंने, या दैट्स अ केस, सो आंसर इज ए, राइट। तो मैं बाद में चेक भी कर लूँगा आंसर क्या है, बट आई थिंक इट शुड बी ए। तो यहाँ पे ये हमने करना था इसके अंदर, डी 0 करना था इसके अंदर, क्यों, और ए ग्रेटर देन 0 करना है, डी इक्वल टू 0, क्योंकि रेंज तभी ऐसे आ सकती है। इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, इफ वन रूट इज
स्क्वायर ऑफ द अदर देन द केस, ये तो पहले क्वेश्चन किया होना चाहिए टेंथ में. एक रूट को अल्फ़ा लेते हैं, दूसरा उसका स्क्वायर है अल्फ़ा स्क्वायर, तो दो आ गए. अब मुझे के निकालना, मतलब अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है. अगेन आई रिपीट, एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर है, गिवन इन द क्वेश्चन है, और मुझे अल्फ़ा हटा के निकालना है. तो इसमें पहले हम सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू वन, माइनस बी बाई वन हो गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बना रहे हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के. अब यहाँ से अगर ये नहीं किया पहले तो मान सकता हूँ कि आप थोड़ा सा अटक सकते हैं इस क्वेश्चन में. अब मुझे क्वेश्चन में ये मेरा अल्फ़ा क्यूब हो गया जो कि माइनस के है, और इसको मैंने लिखा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू वन है. अब इसमें से अल्फ़ा एलिमिनेट करना है, अटक गए होंगे आप अल्फ़ा कैसे एलिमिनेट करना है, ईजी भी नहीं है अगर पहले नहीं किया आपने तो. इसका क्यूब करना होता है, ये इसमें ट्रिक होती है, टेक क्यूब, आई टेक क्यूब ऑफ दिस, उससे हो जाएगा अगले स्टेप में, क्योंकि करना ही पड़ेगा ना, वैल्यू रिप्लेस करनी है इसमें. देखो आपको अगर मैं ऐसे कर लूँ तो वैसे कर लो, क्यूब तब भी करना पड़ेगा. यहाँ से अल्फ़ा क्या आ रहा है, अल्फ़ा आ रहा है कि माइनस के का क्यूब रूट कर दिया आपने, वन बाई थ्री पावर, ये कर लो, फिर यहाँ प्लग इन कर दो. तो तब आप देखो कि अब क्यूब रूट तो हटाओगे ना, तब बात कहीं क्यूब करना पड़ेगा आपको, माइनस के की पावर टू बाई थ्री, ऐसे कर लो, बात वही है. फिर उसको अब फिर क्यूब वगैरह करना पड़ेगा, क्यूब रूट्स आ गए, के कैसे निकालोगे यहाँ से अदरवाइज. तो देखो, तो इसके लिए कहते हैं बात तो वही है, इसको पहले क्यूब कर लेते हैं बाद में क्यूब करने के बजाय. टेक क्यूब ऑफ दिस, और ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, वो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री टाइम्स प्रोडक्ट ए इंटू बी मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी. सो आई होप यू नो दिस फॉर्मूला, आइडेंटिटी है ये. तो क्यूब ऑफ अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब का अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब, अल्फ़ा टू द पावर सिक्स हो गई पावर, प्लस उनका थ्री टाइम्स ए प्रोडक्ट अल्फ़ा क्यूब, और उनका सम दोनों का अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर. तो इसी आइडेंटिटी में मैंने ए को अल्फ़ा प्लग इन कर दिया, ए को, और इसको अल्फ़ा स्क्वायर, ये आ गया मेरा राइट. और ये मेरा बन रहा था अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब, क्यूब किया था मैंने ये मैंने इसका मैं क्यूब करूँगा तो मेरा ये आ रहा है. अब मुझे वैल्यूज प्लग इन करनी है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्या है, ये तो वन है, अल्फ़ा क्यूब क्या है के माइनस के, अल्फ़ा क्यूब इज माइनस के. अब ये क्या है, माइनस के का स्क्वायर है, प्लस थ्री टाइम्स अल्फ़ा क्यूब इज माइनस के, और ये सम क्या है, तो वन है, अल्फ़ा प्लस अल्फा स्क्वायर सम वन है. तो अगर देखें क्या बना ये मेरा, ये के स्क्वायर है, ये माइनस थ्री के माइनस फोर के माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये बना. तो के आ गया फोर प्लस माइनस, फॉर्मूला लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस रूट ट्वेंटी टू रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 प्लस माइनस रूट 5 आर द वैल्यूज ऑफ के. तो गाइस कुछ चीज़ें इस पर भी बहुत डिपेंड करेगा कि आपने इस तरह से किए नहीं की. ये क्वेश्चन थोड़ा आपने पहले टेंथ में क्वाड्रेटिक पढ़ा है उस पर बेस्ड था ये, और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए तो वर्कबुक में भी है वाला क्वेश्चन. मैं नहीं कह रहा उस तो ना वहाँ तक पहुँचा हुआ, दैट्स फाइन, क्लास में तो नहीं याद आ रहा मैंने डिस्कस किया है, तो दैट इज़ फाइन. अगर आपने ना टेंथ में ढंग से पढ़ाई करी है और वर्कबुक के क्वेश्चन भी करने का टाइम नहीं मिला आपको, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ये नहीं हुआ, दैट इज़ फाइन, लर्निंग है इस क्वेश्चन में. क्यूब करना था, के को अल्फ़ा को एलिमिनेट करना था, तो अल्फ़ा को एलिमिनेट करने के लिए एक अल्फ़ा क्यूब है और एक अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है. जब तक आप क्यूब नहीं करेंगे नहीं होगा एलिमिनेट, ये इसमें डिफिकल्ट स्टेप था. इनमें से अल्फ़ा एलिमिनेट करना था तो सेकंड इक्वेशन है क्यूब लेके एलिमिनेट होगा, तो वो आप शायद अटक गए होंगे. तो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है. हमने पोजीशन ऑफ रूट्स के रिजल्ट करे थे, हमने 6 रिजल्ट थे, उसमें से एक रिजल्ट यूज़ होना था बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3. ये रिजल्ट है a टाइम्स a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको मैं पैराबोला को ऐसे एफ एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर. वैल्यूज थोड़ी देखो ऐसे थोड़ी डेंजरस लग रही हैं इसमें, कॉन्सेप्ट सेम है, a इंटू एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स शुड बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, क्योंकि दोनों रूट 3 से आ गए हैं, ये 3 है तो बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3, तो जो वर्टेक्स होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स मिड पॉइंट ऑफ द रूट्स है वो भी 3 से ज़्यादा होगा, और लास्ट में कंडीशन लगाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो टाइम भी थोड़ा 4 मिनट दिए थे इसमें ये तीनों रिजल्ट अप्लाई करने, तो अभी आदत नहीं है आपको टाइम बाउंड करने की, इसलिए मुश्किल हुई होगी. ए वन है, गुड है, 3 रिप्लेस करना है, 3 इसमें 3 एफ 3 निकालना है,
एफ थ्री ग्रेटर देन जीरो करना है राइट। तो एफ थ्री ग्रेटर देन जीरो में थ्री प्लग इन कर दिया, नाइन आ गया, नाइन माइनस थ्री प्लग इन किया एटीन के, ध्यान से कंसंट्रेशन, टू माइनस टू के प्लस नाइन के स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, नाइन के स्क्वायर है ये, माइनस टू के माइनस एटीन के माइनस ट्वेंटी के प्लस इलेवन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब ये अब फैक्टराइज करना पड़ेगा, नाइनटीन नाइन और इलेवन ये आ गया, नाइन के स्क्वायर माइनस नाइन के माइनस इलेवन के, सीधा दिख ही रहा है, यही दो नंबर है नाइन और इलेवन, माइनस नाइन माइनस इलेवन राइट, जिनका सम माइनस ट्वेंटी है और प्रोडक्ट इलेवन है, नाइन्टी नाइन है, ऐसे आ गया। एक के माइनस वन फैक्टर आ रहा है, एक आ रहा है नाइन के माइनस इलेवन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मेरा मेरे को इसका सॉल्यूशन सेट में प्लॉट भी कर लेता हूँ, ये आ रहा है एक वन और एक इलेवन बाय नाइन, यहाँ होगा इलेवन बाय नाइन, ये वन है, इसके बाहर एक को सॉल्व करा, प्लॉट कर लिया, टाइम लगता है इसमें एक को, फिर दूसरे को मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, इसमें सबसे कम टाइम लगेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है माइनस सिक्स माइनस बी बाई टू है, माइनस ऑफ बी इसमें माइनस सिक्स के है डिवाइड बाई टू, ये है ग्रेटर देन थ्री, तो यहाँ से आ रहा है के ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो इसी को दूसरा ये आ रहा है के वन से ज़्यादा होना चाहिए, एक सॉल्यूशन ये आ गया राइट। अब मेरे को लास्ट डिस्क्रिमिनेंट देखना है, डी देखना है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखना है, थर्टी सिक्स के स्क्वायर, बी स्क्वायर इज थर्टी सिक्स के स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इज वन, सी इज दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नाइन के स्क्वायर माइनस टू के प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये मैच होना चाहिए। तो मैं फोर फोर से डिवाइड कर दिया पहले से ही राइट, तो या ज़रूरत नहीं है, ऐसे देख लो कि ये थर्टी सिक्स के स्क्वायर है, तो ये माइनस थर्टी सिक्स के स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर जाके इससे माइनस टू के प्लस टू से, ये आ गया। तो फिर मैंने टू भी कॉमन ले लिया, तो आउटसाइड माइनस टू कॉमन ले लिया, आउटसाइड मैंने माइनस टू कॉमन लिया, तो एट हो जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा के माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दस के ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया एट से डिवाइड करके। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसको बहुत मुश्किल लग रही है कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन को तीन ऐसे क्वेश्चन को तीन तीन बार सॉल्व करना चाहिए, एक चीज़ को बार बार करने से प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने कैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है। देखो आप के ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ रहा है के, ये इसको मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया, तो ये तीन तीनों का कॉमन सेट लेना होता है, तो मैं यहाँ दोबारा कर लेता हूँ। देखो आप पहला पहले से आंसर आया कि वन और नाइन बाय इलेवन, नंबर लाइन है नाइन बाय इलेवन इज़ मोर देन वन के आउटसाइड, सेकेंड को सॉल्व किया ग्रेटर देन वन आ गया, थर्ड को सॉल्व किया ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ रहा है, ये तीनों को कॉमन सोल्यूशन लेना होता है, वो के की वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे, मीन्स तीनों के करस्पॉन्डिंग हमें सोल्यूशन सेट होना चाहिए, तीनों के करस्पॉन्डिंग सॉलिड लाइन होनी चाहिए। तो ये पार्ट है, ये है के ग्रेटर देन नाइन बाई इलेवन, जहाँ तीनों के करस्पॉन्डिंग सॉलिड लाइन आ रही है, तीनों को सेटिस्फाई कर रही है के की वैल्यूज, फिर तीनों के सोल्यूशन सेट से ओवरलैप हो रही हैं, तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं इनइक्वालिटीज से। सो नाइन बाय इलेवन बाय नाइन टू अप टू इन्फिनिटी आ गया। तो ये देखो चार मिनट थे, टाइम था इसमें, प्रैक्टिस है इसके, मतलब आगे के लिए लेसन है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो सीखने चाहिए, कि अगर आपने इस तरह पोजिशनल रूट्स के क्वेश्चन दो तीन तीन चार किए होते हैं, उनको दो तीन तीन बार किया होता तो आपको हो सकता था चार मिनट, चलो छोड़ो नहीं हुआ चार मिनट, नहीं सॉल्व हुआ, कॉन्सेप्ट याद था, रिजल्ट याद था, अप्लाई कर पाए रिजल्ट, मिस्टेक कर दी तब भी छोड़ो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, कॉन्सेप्ट नहीं आता मेहनत करनी पड़ेगी दादा, आगे भी सिलेबस बढ़ रहा है, पुराने भी रिवाइज़ करना है, टाइम बढ़ाओ और हार्डवर्क करो, इनको रिवाइज़ करो चीज़ों को, किसी और को ब्लेम मत दो, खुद ही रिवाइज़ नहीं किया वही सबसे बड़ी गलती है, टाइम लगाओ। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, दिस वॉज अगेन समथिंग आई एक्सपेक्ट सम ऑफ यू वुड हैव डन इन टेंथ ग्रेड, मैं तो नाइन्थ में भी कराया ये वाला क्वेश्चन और टेंथ में भी कराया है ये पढ़ाया, तो जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी होगी उसने नहीं किया होगा, तो टेस्ट तो हुआ है पॉलीनोमियल में, नाइन्थ में हुआ है और टेंथ में तो क्वाड्रेटिक में आता ही है ये क्वेश्चन, पर टेंथ में पॉलीनोमियल में भी आया क्वाड्रेटिक में भी आया, दो बार आया टेंथ के अंदर, तो आपने कभी फेस नहीं किया तो आपने कैसे पढ़ा होगा, आई एम नॉट श्योर, ये तो मतलब कोई राइट तो बेसिक चीज़ें जो शायद आपको, बट आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन टेंथ बट कि आपने क्या पढ़ा है। तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है, इसके रिजल्ट होता है ए एक्स क्यूब, ये दोबारा क्वाड्रेटिक में भी आपने देखा होगा रिजल्ट,
क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था क्योंकि टेंथ की चीज़ें थी, नाइन टेंथ का भी दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा ये। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन हो गई, इक्वल टू जीरो क्या हुआ, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये रिजल्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये बन जाता है माइनस बी बाय ए, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू दिस। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, वो फिर आएगा प्लस आ जाएगा साइन, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा, और आगे बढ़ेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, कोफिशियंट ऑफ एक्स हो गया, डिनोमिनेटर इज सेम, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, इट कम्स आउट टू बी सी बाय ए, एंड देन फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, फिर माइनस आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है। यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स था पहले और पीछे आना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स तो पार्ट जीरो हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, डिनोमिनेटर सेम है कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आ रहा था माइनस डी बाय ए। ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए इसमें, इसमें कोई वो नहीं है, कोई ऐसा सच की मुश्किल की बात ही नहीं, फॉर्मूले थे थोड़ा पर, लेकिन थोड़ा मुश्किल आएगा इस क्वेश्चन में, तभी टाइम इसमें चार मिनट दिया होगा। इसमें क्या मुश्किल आएगी और मुझे क्या करना है, फॉर्मूले यूज़ करके, ये क्यूबिक है, इसमें अगर लिखना चाहो तो ए इसमें है 2010 है, बी इसमें है 4 है, सी 0 है इसमें, और डी 1 है, ये चारों कोफिशिएंट है ए बी सी डी। अब मैं मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, यहाँ रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय गामा स्क्वायर। मैंने एलसीएम लिया, आगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर, एलसीएम कैसे लेते हैं, से अल्फा स्क्वायर था तो क्या नहीं था, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे बीटा स्क्वायर था तो क्या नहीं था, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं था, ये है। डिनोमीटर की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है राइट, वो तो पता है मैं कि तीनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर है वो माइनस डी बाय ए होता है, तो जो भी लास्ट में वैल्यू रिप्लेस कर देंगे राइट, तो ये माइनस डी बाय ए होगा लास्ट में, ये तो पता है माइनस डी बाय ए का स्क्वायर है। न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर देखने के लिए अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है क्या करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको स्टेप, बेस्ड ऑन आपने क्या टेंथ में पढ़ाई करी थी, कोई बात नहीं, लर्निंग है अभी, कि मेरी जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चलो ए बी सी नहीं लेते, कोफिशिएंट भी ए बी सी ही, कन्फ्यूज हो जाओगे आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी करी है आपने, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी है, इसमें कुछ भी प्लग इन कर सकते हैं प्लेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो मैंने एक्स की जगह यहाँ प्लग इन किया अल्फ़ा बीटा, वाई की जगह प्लग इन किया मैंने बीटा गामा, और जेड की जगह गामा अल्फ़ा, जिससे देखो क्या होगा, यहाँ सम हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये तो पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट सेकंड टू एट अ टाइम है, इसकी वैल्यू तो पता है सी बाय ए है हमें का स्क्वायर इक्वल टू, ये मुझे पता है कि इस एक्स एक्स क्या है अल्फ़ा बीटा, सो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा का स्क्वायर है वाई, बिकॉज और फिर ये गामा अल्फ़ा का स्क्वायर है, यही तो हमें चाहिए था न्यूमरेटर, यही चाहिए था, तो ये क्या आएगा टू टाइम्स एक्स वाई, एक्स वाई क्या अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था करना, मैं नीचे लिखता हूँ जगह नहीं है, ऊपर कर लिया मैंने, ये डिफ़िकल्ट था क्वेश्चन, देखो फिर मुझे क्या करना है, मुझे करना है वाई जेड, वाई जेड, वाई मेरा क्या है, वाई है वाई बीटा गामा है, बीटा गामा, और जेड क्या है गामा अल्फ़ा है, और यहाँ जेड क्या है मेरा गामा अल्फ़ा, और एक्स के अल्फ़ा बीटा है, ये आ गया। अब मेरे को देखो इसकी वैल्यू तो पता है सी बाय ए है, बाद में रिप्लेस भी कर देंगे, कोफिशिएंट लिख भी लिए ऊपर, सी बाय ए का स्क्वायर है, ये मुझे चाहिए था सपोज कैपिटल एक्स है, यही चाहिए, ये कुछ भी कह दिया इसको एम, ये हमें चाहिए, और ये क्या है इसमें टू टाइम्स, इसमें से अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन लिया मैंने, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा सब में आ रहा है, देखो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों में आ रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन लेके बचता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मेरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब देखेंगे कोफिशिएंट्स क्या है, ये तो मुझे चाहिए वैल्यू, मुझे को ये पता है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है माइनस डी बाय ए है, और ये है माइनस बी बाय ए सम ऑफ द रूट्स, तो ये मैं देखता हूँ ए बी सी की वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूँ ऊपर क्या है, या पहले इसमें एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर लेते हैं, पहले सी ज़ीरो था इसमें, हाँ सी ज़ीरो है
फोर डी वन, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, ये ज़ीरो है। एम प्लस ये आ गया टू टाइम्स बी डी बाई ए स्क्वायर, ये तो मेरी एम की वैल्यू क्या आ गई, एम इक्वल टू माइनस टू बी डी बाई ए स्क्वायर। वापस में एक्सप्रेशन में गया, मुझे रिप्लेस कर दिया, क्या निकालना था मैं, ये था डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डिनोमीटर में, डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और न्यूमरेटर में है माइनस टू बी डी बाई ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यू रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई पहले कर लिया, माइनस टू बी नीचे डी बच गया, ये तो माइनस टू डी वन है और बी था फोर, माइनस एट आ गया, माइनस एट चॉइस में होगा, या आई थिंक ठीक ही होगा, एट या माइनस एट, मिस्टेक करी होगी तो कर लेना, थोड़ा इन्वॉल्विंग क्वेश्चन था ये, इट्स नॉट ईजी क्वेश्चन राइट। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि हाफ ऑफ द क्वेश्चन गोल होना चाहिए, हाफ कर लिए आपने ठीक है, ये सुनना है कि आप सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, ये वो टाइम चला गया नाइन टेंथ वाला, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में टाइम भी लग रहा है, टाइम था लेकिन तभी कम पढ़ सकता है आपको, ये सब करना था हमें, तो ये तो उसमें हमने क्लास में नहीं पढ़ी चीज़ें, इसलिए भी थोड़ी मुश्किल आई होगी, अपने उस तक टेंथ में पढ़ी होंगी भी रिवाइज नहीं होंगी, तो दैट इज़ फाइन अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, हमने क्लास में नहीं पढ़ा था वाली चीज़ें, आगे के लिए रिवाइज़ कर लेना, कि उस टाइम मोटी में चीज़ें आई वाली तो रिवाइज़ कर लेना। एक आइडिया इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से भी कर सकते हैं, कि कैसे कर सकते हैं, उससे थोड़ा ईजी पड़ेगा अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से करोगे तो। मैं एक बार इसको डिस्कस करता हूँ, देखते हैं कैसे कंट्रोल सी करके इसको नीचे ले जाता हूँ क्वेश्चन को, अगर याद है थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं कि इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, राइट, अल्फा बीटा गामा, और मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट, ऐसी इक्वेशन निकालते हैं इसके रूट हैं वन बाई अल्फा स्क्वायर, वन बाय बीटा स्क्वायर, वन बाय गामा स्क्वायर, ये निकालना है। तो बताया था कि मैपिंग करनी होती है, जिसको नहीं पढ़ाया टॉपिक है अभी इतना चिंता मत करो इस क्वेश्चन की, क्योंकि कुछ लोगों को भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं कवर किया था अभी, जिसको समझ आ रहा है वो देख ले। तो उसमें क्या है कि मेरे को ये मेरा ये समझ लो कि मुझे मैपिंग डिफाइन करनी पड़ती है, स्क्वायर रूट अल्फा बीटा गामा है, तो मुझे ऐसे समझ लो वन बाय अल्फा, समझने के लिए राइट, समझने के लिए कर रहा हूँ मैं सिर्फ, कि रिवाइज अब भूल गए होंगे, इसके रूट्स ये हैं, डैश लगा दिया इसमें, तो अब रिलेशन देखना पड़ता है, या इसमें या कि इसमें अल्फ़ा का मुझे दोनों में क्या रिलेशनशिप है, देखो आप इक्वेट करके ऐसे कर दिया मैंने, इसको इससे मैप करना है, यहाँ ये रूट है मुझे ये चाहिए इसके अंदर, तो राइट, तो इसमें अब यहाँ से मैं ऐसे मत करो, सॉरी ऐसे नहीं समझते कि मैं ये इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है, इसके रूट है वन बाय अल्फा स्क्वायर, वन बाय बीटा स्क्वायर, वन बाय गामा स्क्वायर, राइट। तो अब उसी इसको मान लेते हैं अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, ये रूट्स हैं, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, वेयर यू नो अल्फा डैश शुड बी वन बाय अल्फा स्क्वायर, बीटा डैश ये। तो मैंने कहा कि मेरा अल्फा डैश मतलब उसका पहला रूट वन बाय अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, सेकेंड रूट बीटा डैश वन बाय बीटा स्क्वायर होना चाहिए, गामा डैश क्या होना चाहिए, थर्ड रूट क्या होना चाहिए उस इक्वेशन का, वन बाय गामा स्क्वायर होना चाहिए, ये रूट्स होने चाहिए। तो आप कहते हो यहाँ से अच्छा फिर अल्फा क्या है, यहाँ से अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है वन बाय अल्फा डैश, राइट, अल्फा क्या आ रहा है वन बाय रूट ऑफ अल्फा डैश, ये आ रहा है राइट, ये आ गया। तो आपने कहा अच्छा ये प्लग इन कर देता हूँ मैं, अल्फा की वैल्यू आ गई, ये मैंने प्लग इन कर दी, ऐसे बीटा आ जाएगा, एक ही प्लग इन करनी है, तभी हम कहते हैं अगर इसके रूट को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो पढ़ा हुआ सारा हमने रिवीजन करा रहा हूँ, इसके रूट को एक्स से रिप्रेजेंट किया है और नई इक्वेशन के रूट को मैं वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दोनों में रिलेशनशिप क्या आ रही है कि जो पुराना रूट है अल्फ़ा है अगर, तो मेरी जो नया रूट है वो वन बाय एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे बन रहा था कि रिलेशनशिप होनी चाहिए आपस में उसके, नया जो रूट है वाई और जो पुराना रूट है उनमें ये रिलेशनशिप है राइट, जो नया रूट वन बाय अल्फ़ा स्क्वायर होना चाहिए, मतलब वन बाय एक्स स्क्वायर होना चाहिए, दैट्स आई, वो यहाँ भी यही आ रहा है सेम, यहाँ x निकाला मैंने, x निकाला वन बाय वाई का स्क्वायर रूट, ये आ रहा है यहाँ भी ऐसे ही आ रहा है, x इन टर्म्स ऑफ y, ये प्लग इन कर दूंगा मैं x, क्योंकि x में इक्वेशन ये रही, तो ये आ गया टू ज़ीरो टू ज़ीरो वन ज़ीरो वन बाय रूट वाई का क्यूब राइट, एंड देन क्या है माइनस प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस फोर एक्स स्क्वायर मतलब वन बाय वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वेश्चन आ गई, बस y को एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, तो आ रहा है टू ज़ीरो वन ज़ीरो डिवाइड बाय
वाई रूट वाई राइट प्लस 4 बाय वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ से हो गया यू नो 2010 प्लस 4 रूट वाई प्लस वाई रूट वाई इक्वल टू 0। और यहाँ से मुझे फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको इधर ले जाके 2010 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई 4 प्लस वाई का स्क्वायर, ये बन गया, ये क्यूबिक आ गई। अब इसके रूट क्या हैं, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, 1 बाय बीटा स्क्वायर, 1 बाय कॉमा स्क्वायर, ये रूट हैं इसके, इक्वेशन निकाल ली। तो मुझे सम ऑफ रूट्स चाहिए इसका, बस हमें जो निकालना है सम ऑफ रूट्स निकालना है, वो माइनस कोफिशियंट ऑफ आपको वाई स्क्वायर देखना है डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई क्यूब, ये करना है। तो यहीं से इसकी तो जरूरत, कॉन्स्टेंट की जरूरत ही नहीं है, कोफिशियंट ऑफ वाई क्यूब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ रहा है, ऐसे देखो आप कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर आएगा, माइनस भी है, माइनस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर वो 8 आ रहा है, माइनस 8 आ गया। तो ये पोजिशन ऑफ रूट से थोड़ा काम, ये समझने में छोड़ दें, करने में तो ये स्टेप है हमारे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सॉरी आई एम नॉट पोजिशन रूट बाय मिस्टेक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में ये करना था। तो रिवाइज कर लेना ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, मैंने जल्दी ही बताया है राइट। तो थोड़ा धीरे धीरे आपको कैपेबिलिटी बनेगी, अभी 10th से आए ये चीज़ें आपको थोड़ा इस तरह से नहीं पढ़ी हैं आपने, लेकिन अब आ रही हैं, लेकिन हो जाएगा, कई लगे रहेंगे तो कैपेबिलिटी बेटर हो जाएगी। इफ़ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन दे मे डिफर बाय एटमोस्ट 4, दे मे डिफर बाय एटमोस्ट 4, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ बी इज राइट, दे मे डिफर बाय एटमोस्ट 4। तो रूट्स का जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है वो 4 से कम होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स है जो भी, मतलब उसको वो ऐसे नहीं लिखते हम, ऐसे मत लिखो, डिफरेंस ऑफ रूट जो मेरा डिफरेंस ऑफ रूट्स है, क्वेश्चन के में लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो एटमोस्ट 4 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, दे रूट्स मस्ट नॉट मस्ट डिफर एटमोस्ट 4, दे डिफर बाय एटमोस्ट 4। और डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ यू नो रूट ऑफ डी बाय ए, प्लस माइनस भी होता है लेकिन हमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है राइट, 4 से कम होना चाहिए। तो अब इसमें आ गया रूट में 36 माइनस डी निकालो 4b बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस, ये 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 इन द लीस्ट वैल्यू ऑफ बी निकालना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रही है, देखो अब ये भी हमने नॉट श्योर कि सबको पढ़ाया था, लेकिन इस तरह क्वेश्चन हमने किए थे क्लास में कि जहाँ पे स्क्वायर रूट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, ये इसमें पहले तो ये कंडीशन आती है इसके अंदर, जिसने भी नहीं पढ़ा था वो छोड़ सकता होगा, ये दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट। तो यहाँ से आ गया बी जो है लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, इसको इधर ले जाके डिवाइड करा, बी 9 से कम होना चाहिए। और फिर हमने और फिर यहाँ से भी हम सॉल्व करेंगे, अभी ये पॉजिटिव क्वांटिटी स्क्वायर कर दिया, वी कैन टेक स्क्वायर इफ यू नो दिस इज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, एज बोथ साइड्स आर पॉजिटिव टेक स्क्वायर तो ये आ गया 36 माइनस 4b लेस देन इक्वल टू 16 स्क्वायर करा, सो सिंपल सॉल्व कर लिया, 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सॉरी 20 4b ग्रेटर देन इक्वल टू या 20 b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो b की वैल्यूज आ गई मेरी 5 से लेके 9 तक, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, लीस्ट वैल्यू b इज 5 राइट। तो ये जो स्क्वायर रूट वाली इनइक्वालिटी थी, रजिस्ट्रेशन भी है मॉड्यूल में, तो जो तो वो इसमें अप्लाई करनी थी। तो जिसका अभी लग रहा है कि मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, निमेश भैया ने अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लिए नहीं हुआ है, तो फॉर टाइम में यू कैन यू नो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। तो ये हमने डिस्कस किया है सारे क्वेश्चन, तो इसमें देखो कि मैं कुछ क्वेश्चन मुश्किल हैं इसमें, जब भी कुछ लोग कॉम्प्लेक्स लगा ही था, मैं लास्ट में देखा ही था, जो मतलब मस्ट वाले क्वेश्चन हैं वो ये हैं। तो देखो
ये तो करना चाहिए था, तो बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन आपसे, आप ये भी चलो मान लेते हैं कि मतलब मैं कर देता हूँ समझने के लिए, आपको कैटेगराइज करने के लिए मैं मतलब कॉन्सेप्ट इसको रिवाइज थे और समझ आए हुए थे, तो मैं था। यू मे हैव मस्ट राइट। आगे चलते हैं फिर, ये मस्ट है। कैलकुलेशन अटक गए हो तो अलग बात है, चलो वैसे मस्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फंडामेंटल रिजल्ट था, डायरेक्ट रिजल्ट था। आगे बढ़ते हैं, ये भी मैं मस्ट में डालूंगा क्योंकि डिफरेंस इसमें तो राइट। चलो मैं कर दिया इसको, छः क्वेश्चन में ये, अब छः क्वेश्चन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं फिर देखते हैं। ये देखते हैं क्या है, ये मस्ट में यहाँ डालूंगा मैं इसको, क्योंकि टेंथ स्टाइल का क्वेश्चन था, मस्ट में हो गए राइट। मस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट ठीक है, अगर अटक गए हो तो आप वैसे कॉन्सेप्ट भाई तो मस्त था, ऑलमोस्ट कर दिया होना चाहिए था आपने। चलो इसको मैं डाल देते हैं, ये था, मैं डाल दिया इसको भी कि क्यूब, समझ नहीं आया वो क्यूब करना है, डायरेक्ट रिजल्ट है मस्ट, कोई बात नहीं कैलकुलेशन नहीं होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए था। चलो मैं डाल देते हैं अपने टेंथ का, ये वाइज नहीं था आपको, और डिफरेंस ऑफ रूट्स है इसको ही मैं डाल दिया राइट। या इसको चलो नो डाल देते हैं कहीं को, इसको नो डाल दिया कि नहीं कर पा, मुश्किल था, उन्हें पढ़ा ही नहीं था, नो डाल दिया। तो ये मे था, पढ़ा ही हुआ है टेंथ में, तो पढ़ा ही 9th-10th में, एक मस्ट है राइट। तो अब ये मैंने मार्क कर दिए हैं मस्ट, 5-6 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 3 हो गए हैं मस्ट के, 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 6 क्वेश्चन है। देखो 6 क्वेश्चन में आ रहा है कि मस्त थे वो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। तो अब ये देखो कि इसमें क्या लग रहा है आपको, कि क्यों नहीं हुआ है वाला क्वेश्चन 6 में। तो बाकी मेमे से भी आपने कुछ किए होंगे, तो मैं जैसे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैंने 6 को ही करा, 7 हो गए, 8 हो गए हैं, तो किसी को 8 वाले को बड़ा हो सकता कम लग रहे हो राइट। वो हो सकता है कि आपकी पुरानी ट्रेनिंग है 8th-9th-10th वाली, कि आप मतलब पूरे में से पूरे नंबर आते थे क्लास में, टॉप करते होंगे, तो समझो कि एक हमने अपने आप को ज़बरदस्ती स्ट्रेस आउट नहीं करना है। स्ट्रेस आउट तब करना है कि इसमें से आप 3-4 क्वेश्चन से नहीं कर पाए हैं, वो है कि भाई देखो पढ़ नहीं रहे हो, 3 क्वेश्चन भी नहीं उठा पाए, इनमें से 4 क्वेश्चन नहीं उठा पाए, फिर देखो। अगर हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें डिसेंट परफॉर्मेंस है एट योर लेवल। आई एम नॉट सेइंग कि एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये डिसेंट होगा, उस टाइम फिर 8 नंबर की बात करूंगा कि 9 क्वेश्चन तो कम से कम होने चाहिए थे, जब बिल्कुल 2 साल बाद की बात है अभी वो। तो अभी इसके भी 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा हुए हैं, दे शुड बी हैप्पी। हाँ मैप गैप्स आइडेंटिफाई करो और प्रैक्टिस करो उस पर, फिर देखो कि मेरे कैसे 9-10 क्वेश्चन क्यों नहीं होने चाहिए थे मेरे। हाँ जिनके 2-3 क्वेश्चन ही ठीक हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो पढ़ाई में थोड़ा सा और ध्यान लगाओ, टाइम ज़्यादा लगाओगे ये फ़र्क हो रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, लिख लिख के क्वेश्चन तो रिपीटेडली नहीं कर रहे होंगे, रिपीट नहीं कर रहे होंगे कि क्वेश्चन को कई बार कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना है, उसको 2-3 बार भी सेम क्वेश्चन को करना पड़ सकता है, उसमें बुराई नहीं है कोई भी, कि सेम क्वेश्चन 2 बार क्यों करेंगे क्या पागलपन है, ये आप समझ लो 2 मिनट में समझ आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो कभी जो मतलब जब एज आएगी, अभी कार सीखना शुरू करेंगे आप, तो मतलब रोज़ जाके वही सेम राउंड बार बार राउंड 10-10 राउंड लगाते रहते हैं। जब मैंने भी कार सीखी थी, एक रूट बना लिया था उसी को मैं पेलता रहता था कम से कम 85 बार, कि उस वहाँ तो प्रैक्टिस कर लूँ उससे पहले, किसी और रोड पर जाने से पहले, वो तो ये तो 95 हो गया, ट्रैफिक कम होता है वहाँ पे, आराम से तुम सीख सकते हो, और तुम्हें पता है कि रास्ता टिपिकल है, सरप्राइज़ नहीं होता अचानक, फिर जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर नए रास्ते में जाते हैं। तो ऐसे भी कोई भी मतलब म्यूज़िक में, स्पोर्ट्स में, अगर कोई भी ट्रेनर या कोई टेक्निक सिखाता है तो कहता है भैया इस पर तो प्रैक्टिस कर ले पहले, अगली चीज़ तब सिखाऊंगा देखो, पहले इस पर तो उंगलियाँ चला अपनी, प्रैक्टिस कर ले पहले, ये तो मतलब इस तरह की बॉल तो खेलना सीख ले, क्रिकेट में तो होगा इतना ना कि 4 हर तरह की बॉलें सिखा रहे हैं, पहले तो एक तरफ कि मतलब ये स्पिन है, स्पिन में भी ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, तो ऐसे मतलब पहले एक चीज़ की प्रैक्टिस होगी फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो भी चीज़ें हैं प्रैक्टिस उनकी पहले करोगे तभी आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बिल्कुल क्रैश हो जाओगे राइट। तो जिनके भी या सो हो सकता है कभी क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी हो, यू नो लाइक, सो दैट्स फाइन, सो मस्ट बी मिस्टेक होगी, तो वो आप करेक्ट कर लेना,
चॉइस तो मैच कर ही रही थी, लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो अब मतलब दैट्स ओके, दैट्स फाइन. सो आई डू लाइक आई एम ऑल्सो द वन लाइक हु डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज आई एम ऑलवेज इन हरी इन राइटिंग एंड थिंकिंग. सो एक बार राइट.